हाँ तो दोस्तों, क्या आपका वाईफाई राउटर किसी किस्म का कोई भी मसला कर रहा है? अब ये मसला कोई भी हो सकता है, किसी किस्म का भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपका मोबाइल आपके इस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट है, तो आपके मोबाइल का वाईफाई ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता है, फिर कनेक्ट नहीं होता। अगर कनेक्ट होता है तो काफ़ी टाइम ले लेता है कनेक्टिंग में, या फिर आपका वाईफाई राउटर रीसेट नहीं होता, या फिर आप अपने वाईफाई राउटर को एक्सेस नहीं कर पाते, यानी कि आप अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग में नहीं जा पाते। आपके सामने आपका जो वाईफाई राउटर का होम पेज होता है, जहाँ पर आपको एडमिन एडमिन एंटर करना होता है, ये आपके पास शो नहीं होता। या फिर आपके इंटरनेट का एक तो अच्छा पैकेज है, अगर आप इस राउटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये राउटर आपके पास अच्छे से स्पीड नहीं देता, या चलते चलते ये राउटर हैंग हो जाता है या सिग्नल ड्रॉप करता है। किसी किस्म का कोई भी मसला है तो दोस्तों, आप इजीली अपने कंप्यूटर से इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब तमाम मसले हमारे इस राउटर के सॉफ्टवेयर से आते हैं। हो सकता है कि आपके इस वाईफाई राउटर का सॉफ्टवेयर भी खराब हो चुका है, जो कि ये तमाम मसले दे रहा है। मगर दोस्तों, यहाँ पर परेशान होने की बात नहीं है। कंपनी हमें इस चीज़ का ऑप्शन देती है कि अगर हमारा वाईफाई राउटर इस तरह का कोई भी मसला करता है, तो हम इसके फायरवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये फायरवेयर क्या है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो मैं यहाँ पर एक आम और सादा अल्फाज में मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। अगर आपका ये वाईफाई राउटर किसी किस्म का कोई भी मसला कर रहा है, तो ये आपका वाईफाई राउटर नहीं, आपके वाईफाई राउटर में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये मसला कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप किस तरह से इजीली 5 से 6 क्लिक में अपने इस राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अब ये अपडेट भी जेन्युइन तरीके से हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अगर आप मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट और खासतौर से वाईफाई से रिलेटेड कि आपका वाईफाई स्लो चल रहा है, या फिर आपके वाईफाई के सिग्नल्स काफ़ी लो हैं, आप किस तरह से इजीली अपने घर की तमाम चीज़ों से अपने वाईफाई सिग्नल्स को कवर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप ये सब सीखना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अमेजिंग टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन पर प्रेस करने के बाद मैं अपनी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर शो कर दिया जाएगा, और आप इस तरह से हमारी कोई भी नई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इस राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इस वाईफाई राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इस राउटर के फायरवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, अगर आपका वाईफाई राउटर किसी भी कंपनी का है, तो आप इजीली उस कंपनी के राउटर का फायरवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो राउटर है, ये एक टीपी लिंक का है और इसका मॉडल 840N है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी राउटर होगा, आपने उसी कंपनी को यहाँ पर टाइप करना होगा। हमारे पास यहाँ पर टीपी लिंक का राउटर है, तो हम यहाँ पर टीपी लिंक सर्च करेंगे। टीपी लिंक सर्च करने के बाद दोस्तों, आपने टीपी लिंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास टीपी लिंक की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों, आपने यहां पर अपने उस राउटर का मॉडल सर्च करना होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने यहां पर टाइप किया 840N, इसके बाद हमने एंटर किया। तो दोस्तों, हमारे पास जो राउटर शो हो चुका है, हमारा सेम यही राउटर है। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, ओवरव्यू, स्पेसिफिकेशंस, स्पोर्ट्स। तो आपने स्पोर्ट्स में जाना है। स्पोर्ट्स में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलती है फायरवेयर की, आपको यहाँ पर जस्ट 1 क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास ये है वो सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये वो फायरवेयर है जो हमें चाहिए। और आप यहां पर इसकी डेट भी चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने ये कब लॉन्च किया, कंपनी ने कब ये पब्लिश किया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 21/4/2017 में कंपनी ने ये फायरवेयर पब्लिश किया है। अगर लैंग्वेज की बात करें, तो हमें सॉफ्टवेयर में जो लैंग्वेज मिलने वाली है वो इंग्लिश है। और इसके बाद जो इसका फाइल साइज है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4.22 MB हमें यहाँ पर इसका फाइल साइज मिलने वाला है। आइए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने इस वाईफाई राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने इस तरह से कुछ फाइल शो हो जानी है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। आइए हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ ये वीनियर की फाइल मिलने वाली है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वो चीज़ है जो कि हमें चाहिए। आइए अब हम चलते हैं अपने वाईफाई राउटर में और देखते हैं कि किस तरह से हम अपने वाईफाई राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने वाईफाई राउटर में लॉगिन होना होगा, तो आइए हम यहाँ पर अपने वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस एंटर करते हैं और अपने राउटर में एक्सेस हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने अपने वाईफाई राउटर में एक्सेस होने के बाद आपने आ जाना है सिस्टम टूल्स में। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि सिस्टम टूल्स में आने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलती है फायरवेयर अपग्रेड, आपको यहां पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दी जाएगी कि चूज फाइल, आपने वो फाइल चूज करनी होगी जो कि हमने डाउनलोड की है। तो आइए हम उस फाइल को चूज करते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें ये फाइल चाहिए BIN की, तो हम इस फाइल पर डबल क्लिक करते हैं और यहां से हम अपग्रेड पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि अब हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है और अपग्रेड होने के बाद हमारे ही सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आई है। पहले हमारे पास ये ऑप्शन भी शो नहीं थी होती, अब हमारे पास ये ऑप्शन भी शो हो रही है और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऑप्शन है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद आई है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके भी वाईफाई राउटर में किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आप इजीली इस तरीके से अपने वाईफाई राउटर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं और अपने वाईफाई राउटर के किसी भी मसले को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं या फिर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग टेक इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। इसके बाद क्योंकि मैं अपनी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर शो कर दिया जाएगा और आप इस तरह से हमारी कोई भी नई वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।